इस तरीके से अरबी पत्ते का सब्जी बनाएंगे तो सभी फिश खाना भूल जाएंगे और नहीं खाने वाले भी अरबी पत्ता का सब्जी आपसे मांग मांग के खाएंगे। और ये देखिए अरबी पत्ता का सब्जी हमारा बिल्कुल फिश कड़ी के जैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और चलिए आज हम वेज फिश कड़ी बनाते हैं। मेरा मतलब है कि हम अरबी पत्ते का सब्जी बनाएंगे। अरबी पत्ते का सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने छोटे साइज के अरबी के पत्ते लिए हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने पत्ते को अच्छे से 2 से 3 बार धोकर साफ कर लिया है। और चलिए अब हम इसे इस तरह फोल्ड करके बीच से काट लेंगे और इसे एक तरफ करके पत्ते को हम बारीक बारीक या महीन चाकू से काट लेंगे। अगर आपके पास बड़े वाले अरबी पत्ते हैं तो आप बड़े वाले अरबी पत्ते को भी इस तरह बारीक काट लें। इसी तरीके से हम सारे अरबी पत्ते को बारीक या महीन काट लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे काट लिया है। और चलिए अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप चावल का आटा डालेंगे। यहाँ मैंने चावल का आटा यूज़ किया है, आप इसकी जगह सिर्फ बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। और चावल का आटा अरबी पत्ते में डालकर हम इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। बेसन डालकर हम इसमें अब मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अब इन सभी को हम साफ हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। अरबी पत्ते का कोई भी रेसिपी बनाते समय आप मसालों में 1 चम्मच इमली का पल्प या नींबू का रस या आमचूर पाउडर का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपके अरबी के पत्ते गले में खराश नहीं करेंगे और अरबी पत्ते का रेसिपी आपका स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा। और ये देखिए यहाँ मैंने अरबी के पत्ते में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। और ये देखिए अरबी के पत्ते में बेसन कम लग रहा है, हम इसमें 1 कप और बेसन डालेंगे। बेसन डालकर हम इसे एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंद लेंगे। अरबी पत्ते में हमने नमक डाला है और नमक पानी छोड़ता है, तो आप अरबी के पत्ते में थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसे इस तरीके से गूंद लें। और ये देखिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। और अब हम अरबी पत्ते का सब्जी बनाने के लिए अरबी पत्ते का डो को ले करके इस तरह हाथों में डो ले करके हम इसका रोल बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने पहले से ही 2 रोल बना के तैयार रखा है। सेम तरीके से ही हम रोल करते हुए 3रा रोल भी सब्जी के लिए बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसे प्लेट में रख लिया है। और चलिए अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने 1 पतीला लिया है और हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और 1 कटोरी लेंगे। इसे इस तरह उल्टा करके हम पानी में रखेंगे और अब हम स्टीम करने के लिए प्लेट को कटोरी के ऊपर रखेंगे। अरबी पत्ते के डो को हम प्लेट में रख कर इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रखेंगे। सब्जी बनाने के लिए मसाला बना लेते हैं। 1 टुकड़ा अदरक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और हम इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे। 1 रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। मसाले हमारे अच्छे से ग्राइंड हो इसके लिए हम इसमें 1/2 कप या थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसका ढक्कन लगा करके इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अरबी के पत्ते को स्टीम करते हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम एक साफ चाकू या नाइफ लेंगे और इसे इस तरह अरबी के पत्ते में डालकर चेक करेंगे। और ये देखिए चाकू हमारा क्लीन आया है। इसका मतलब है कि अरबी के पत्ते का डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हो गया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और अब हम प्लेट को निकाल लेंगे
और ये देखिए यहाँ मैंने प्लेट से निकाल कर इसे थाली में रख लिया है। और चलिए अब हम इस तरह पीसेस में कट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सभी रोल को पीसेस में कट कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप अपने पसंद का कोई और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें अरबी पत्ते के पीसेस डालेंगे। हम इसमें एक एक करके अरबी पत्ते के पीसेस डालेंगे, डालकर गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम अरबी पत्ते के पीस को अच्छे से सुनहरा कलर या गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे या सेक लेंगे। अरबी के पत्ते हमारे एक तरफ से सिक गए हैं और अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे गोल्डन कलर आने तक। और ये देखिए अरबी पत्ते में कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। आप भी इसी तरह अपने घर में अरबी पत्ते का सब्जी ज़रूर बनाएं, आपके साथ आपके घर वाले को भी बहुत पसंद आएगा और सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। और ये देखिए अरबी पत्ते के पीसेस हमारे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अरबी पत्ते के पीसेस को एक एक करके इस तरह हम प्लेट में निकाल लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस पे रखेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने अरबी के पत्ते को प्लेट में निकाल लिया है। और चलिए अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए सेम कढ़ाई में ही हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालकर हम तेल में इसे क्रैक होने देंगे और इसमें 1 तोड़कर हरी मिर्च डालेंगे और इसमें कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने 1 प्याज को बारीक काट लिया है और इसे इस तरह चलाते हुए हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। प्याज तेल में अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे। तेल में इस तरह हम ग्राइंड किया हुआ थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे। मसाला डालकर हम इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ मैंने ग्राइंड किया हुआ सारे मसाले कढ़ाई में डाल दिया है और हम इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग से अरबी पत्ते के सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे और सभी इंग्रेडिएंट को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इसी तरह भूनते हुए टमाटर को मैश कर लेंगे, जिससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार में 1 कप पानी डाला था। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे और इसमें 1 से 2 उबाल आने देंगे। और ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है। हम इसे एक बार फिर से मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, जिससे ग्रेवी हमारे अच्छे से पक जाएगी और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और चलिए अब हम इसमें सिके हुए अरबी पत्ते के पीसेस डालेंगे। हम इसमें एक एक करके सारे पीसेस को डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। और ये देखिए अरबी पत्ते के सब्जी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे एक बार ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। और चलिए अब हम इसे ढककर
5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ग्रेवी हमारा थिक हो गया है। हम इसे एक बार फिर से मिला लेंगे, लेकिन इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे जिससे अरबी पत्ते के पीसेस टूटे ना। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए अरबी पत्ते का बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी हमारा तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अरबी पत्ते के सब्जी को आप चावल, पराठा, चपाती, पूड़ी किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। अरबी के पत्ते हमारे स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे और लाभकारी होते हैं। आप इस अरबी पत्ते में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और ए होता है और ये फाइबर से भरपूर होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।